डन। अब अपन लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिविजन एंड रीबैलेंसिंग। इसमें भी तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड बोलता है बाय एंड होल्ड पॉलिसी, मतलब डू नथिंग। मतलब आपने अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, हेलो पब्लिक, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो लोग, वो जो भी प्राइस पे लिया है आपने, वो लेके भूल जाओ। डू नथिंग पॉलिसी, नाम ही बोलता है क्या, डू नथिंग पॉलिसी। सो लेके आपको भूल जाने का कि भाई हाँ ठीक है, लिया था मैंने कुछ शेयर्स और अब मैं इसका कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर्स पड़ा है। एंड मैं आपको बोलता हूँ, मेजोरिटी दुनिया डू नथिंग पॉलिसी करती है। मतलब वो देख लेती है, टाइम ही नहीं मिलता ना ऑफिस के हिसाब से। सो डू नथिंग पॉलिसी इसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज कॉन्स्टेंट मिक्स पॉलिसी, है इसको सीआरबी, कॉन्स्टेंट रेशियो पॉलिसी भी बोला जाता है। देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ये बोलता है बॉस एक कॉन्स्टेंट रेशियो मेंटेन करके चलो। तो मैं आपको यहाँ पे इसी को कनेक्ट भी कर देता हूं। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल सीआरपी, जिसको अपन लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी भी बोलते हैं, तो वो बोलता है आपको कांस्टेंट रेशियो पॉलिसी, जिसको बोलते हैं सीआरपी। ये क्या बोलता है कि बॉस आपने अगर से फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लिया कि हमको 1:1 रखना है, 50% हमको रखना है इक्विटी में और 50% हमको रखना है डेट में, तो बस आप इसको फॉलो करते चलो। यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 50,000, 50,000 1,00,000 रुपए से विद शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा पता है क्या, मैं इधर डाल दूंगा इन 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। जब मैंने स्टार्ट किया तब 100 रुपीज पर शेयर चल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया तब 100 रुपीज पर शेयर चल रहा है, तो मेरे पास कितने शेयर्स आ गए, तो 50,000 डिवाइड बाय 100, मेरे पास आ गए 500 शेयर्स। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये मेरा 100 रुपीज पे पहुंच गया 80 रुपीज पे, तो ये मेरा पहुंच गया 80 रुपीज पे, तो कहना इसे 500 शेयर है इंटू 80 पर शेयर, तो कहना इसे ये 40,000 रुपीज हो गया। यस सर, कहना इसे यहाँ पे 50,000 रुपीज तो है ही। यस सर, अब क्या बोलता है कांस्टेंट रेशियो होना चाहिए, तो रेशियो 1:1 है क्या, नहीं सर नहीं है, तो करो 1:1, तो कैसे करेंगे, तो अपन करेंगे ऐड। 50 प्लस 40 कितना हुआ सर, 90,000 हुआ। अच्छा 90,000 को दो पार्ट में डिवाइड करो, कितना दो पार्ट सर, एक 45,000 दूसरा 45,000। अब ध्यान से समझना, कहना इसे यहाँ पे 50,000 है आपका, यहाँ पे 40,000 है, बट आपको चाहिए 45,000 एंड आपको यहाँ पे चाहिए 45,000, तो आप क्या करोगे, एड कर दोगे यहाँ पे 5,000 रुपीज का इक्विटी एंड लेस कर दोगे यहाँ पे 5,000 रुपीज का डेट। 50,000 में से 5,000 का डेट हट गया, 45,000 डेट बचा, 40,000 में 5,000 रुपीज का इक्विटी एड हो गया, 45,000 का इक्विटी हो गया। 5,000 डिवाइड बाय 80, आज की तारीख में आप बाय करोगे तो आप बाय कर लोगे 62.5 इक्विटी शेयर। तो अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास हो गए 5,000 कितना 562.5 शेयर्स एट द रेट 80 एंड यहाँ पे 45,000 का डेट पड़ा है आपके पास। तो बेसिकली आपने फर्स्ट केस में क्या किया बेटा, फर्स्ट केस में क्या किया आपने, प्लस 5,000 इक्विटी का खरीदा, माइनस 5,000 आपने डेट का लिया, एंड दैट इज हाउ माय फर्स्ट सिस्टम वर्क्स। That is how my first system works. ये देखो bond to stock switching, मतलब bond बेच के stock खरीदा, कितने का, 5,000 रुपए का। अब फिर बाद में वापस ये हो गया से फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज, कैन आई से, अब आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, अब आप लोग समझ गए, होशियार हो गए, अब ये 60 रुपीज हो गया तो ये और कम हो जाएगा, तो 562.5 इंटू 60 कर दो तो ये हो गया 31,590, ये हो गया 45,000, अपने को इक्वल पॉलिसी रखना है तो प्लस 45,000 किया तो ये सर आ गया 76,590, हेलो ये आ गया 76,590 डिवाइड बाय 2, 1:1 का रेशियो रखना है तो डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया मेरा 38,295, हेलो ये आ गया मेरा 38,295। अब मेरा अगेन ये 45,000 पे है तो कहना इसे मेरे को सेल करना पड़ेगा डेट, ये मेरा 31,590 पे है तो ये मेरे को बाय करना पड़ेगा इक्विटी शेयर। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स अप इन केस ऑफ कांस्टेंट रेशियो। ये तो प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज होगा तो शेयर सेल करना पड़ेगा और डेट बाय करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे स्विच टू बॉन्ड, स्टॉक टू बॉन्ड स्विचिंग, एंड दैट कैन बी डन बाय ऑल। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, विच इज सीपीआईपी,
कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी आपको देखो बताया वो लोग ने एक फॉर्मूला के थ्रू कि आप मैक्सिमम शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है मल्टीपल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इंटू मल्टीप्लायर। ये आपको फॉर्मूला से पता चलेगा कि कितना आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, जेन जो बच गया वो आपको डेट में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको सीपीआईपी के हिसाब से, कांस्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो ये लोग ने दे दिया है। सर कितना दे दिया है शेयर्स में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो इट विल बी पोर्टफोलियो वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू, माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर। मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, पोर्टफोलियो वैल्यू गिवन होगा, फ्लोर वैल्यू गिवन होगा, मल्टीप्लायर गिवन होगा। तो सर इसको खाली अप्लाई करना है और फाइन करना है कि इक्विटी शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। आओ मेरा पहला एग्जांपल, ये रहा 10 लाख का मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो इधर मैंने लिख लिया 10 लाख, मेरे को फ्लोर वैल्यू रखना है एट एनी कॉस्ट 7.5 लाख का मेरा फ्लोर वैल्यू होना ही चाहिए। इससे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इक्विटी। सो कैन आई से ये मेरा हो गया 2.5 लाख इन टू मल्टीप्लायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, मल्टीप्लायर क्वेश्चन में दिया हुआ है चू, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू, ये आ जाता है ₹5 लाख, ये आ जाता है ₹5 लाख। तो शेयर्स में कितना डालना है 5 लाख। तो अगर मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है 10 लाख का, तो उसमें से 5 लाख मैं डालूंगा इक्विटी में, बचा हुआ 5 लाख मैं डालूंगा डेट में। अब तो ये कहानी शुरू हुई। एक इक्विटी शेयर कितने का है वो मेरे को देख लेने का, कितने का है उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने में इक्विटी, कितने का नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा। अब से फॉर एग्जाम्पल ये शेयर का वैल्यू बढ़ के हो गया 7.5 लाख, अरे वाह बधाई हो। सो यहाँ पे ये मेरा वैल्यू हो गया 7.5 लाख। अब मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू देखो कितना आ गया, 7.5 लाख प्लस 5 लाख का डेट, तो 12.5 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो वैल्यू विच इज 12.5 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू 7.5 लाख इनटू मल्टीप्लायर विच इज टू, 12.5 माइनस 7.5 लाख इनटू टू कितना हो गया 10 लाख हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई 10 लाख जितना आप इक्विटी में डाल सकते हो, तो ऑलरेडी 7.5 लाख तो है ही, शेयर्स में आप 10 लाख डाल सकते हो ऑलरेडी 7.5 लाख तो है, तो प्लस 2.5 लाख का आप इक्विटी बाय करोगे एंड माइनस 2.5 लाख का डेट आप सेल करोगे, समझियो। इसको बोलते हैं सीपीआईपी पॉलिसी। वापस से एक बार सुन लो, क्लियर हो जाएगा। केस टू आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, जहां पे मैंने शेयर्स का वैल्यू कम कर दिया है, सेम लॉजिक सेम अप्लाई करना है। बस अब आपने शेयर्स खरीदा है, वो केस में आपको शेयर सेल करना पड़ेगा, डेट खरीदना पड़ेगा, बट फॉर्मूला वही रहेगा आपका, पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लायर विल गिव अस के कितना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एंड दैट्स हाउ द होल सिचुएशन वर्क्स आउट। हे समझ गुरु एवरीबॉडी, क्लियर। सो ये हो गया मेरा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलता हूँ फुल चांस है एमसीक्यू में आने का, तो इसके लिए प्लीज इसको